नमस्कार, मैं हूं दिवांशी मोइत्रा। शनिवार 15 सितंबर एशियाई देशों का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट यानी एशिया कप का आगाज हो चुका है। इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में किया जा रहा है। बता दें, टीम इंडिया ये टूर्नामेंट इससे पहले 6 बार जीत चुकी है और इस बार इस कप पर 7वीं बार कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। एशिया कप 2018 के लिए टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है, क्योंकि कोहली को आगे लगातार क्रिकेट खेलना है। यही वजह है कि एशिया कप के लिए टीम की कमान हिटमैन रोहित शर्मा के हाथों में है। एशिया कप के लिए विराट कोहली का ना होना टीम इंडिया के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है, लेकिन जो टीम एशिया कप के लिए चुनी गई है वो टीम पूरी तरह से सक्षम है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत भारत की झोली में 7वीं बार एशिया कप दिलाए। कप्तान रोहित शर्मा के आगे जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो ये कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में वो नंबर 3 पर किस खिलाड़ी को आजमाएंगे। भारतीय टीम को पाकिस्तान के धुरंधरों के खिलाफ मैदान पर उतरना है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं। रोहित शर्मा। एशिया कप के लिए रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान होंगे और इस टूर्नामेंट के लिए वो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर सबसे परफेक्ट बल्लेबाज होंगे। और वैसे भी रोहित शर्मा काफी समय से लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते आ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में रोहित ने 77 की औसत से 154 रन बनाए थे और उसी फॉर्म को एशिया कप में भी बरकरार रखना चाहेंगे। शिखर धवन। कप्तान रोहित शर्मा का ओपनिंग में साथ देंगे टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन। बतौर ओपनर धवन से उम्मीदें होंगी कि वो टीम को एक बेहतर शुरुआत दिलाए। अभी हाल ही में इंग्लैंड में हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज में गब्बर के बल्ले से सिर्फ 120 रन ही निकले थे। ऐसे में धवन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। लोकेश राहुल। टीम इंडिया में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर नंबर 3 पर कौन सा बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए। तो इस सवाल का जवाब है लोकेश राहुल। भले ही इंग्लैंड में उनके बल्ले से रन ना निकले हो, लेकिन एशिया कप में टीम इंडिया को उनसे काफी उम्मीदें होंगी। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में तीसरे नंबर पर केएल राहुल की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मध्य क्रम को मजबूती देने के लिए केएल राहुल को मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करनी होगी। मनीष पांडे। मनीष पांडे ने हाल ही में खेले गए क्वाड्रेंगुलर कप में अपनी टीम इंडिया बी की जीत में अहम योगदान दिया था। उन्होंने टूर्नामेंट में 4 पारियों में 306 रन बनाए थे और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। पूरे टूर्नामेंट में वो नाबाद रहे, जिस वजह से उन्हें एशिया कप के भारतीय टीम में जगह दी गई और जिस तरह के फॉर्म में वो अभी हैं उससे उनको नंबर 4 पर खिलाया जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को 2 बार एशिया कप का खिताब दिला चुके हैं। धोनी के पास तजुर्बे की कोई कमी नहीं है और वो दुनिया के सबसे बेहतर फिनिशर माने जाते हैं। ऐसे में नंबर 5 पर उनकी भूमिका अहम हो जाती है। दिनेश कार्तिक। टेस्ट में भले ही दिनेश कार्तिक को ज्यादा मौके ना मिले, लेकिन सीमित ओवरों के खेल में दिनेश अब भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे में एशिया कप में भी उनको टीम में जगह दी जा सकती है। दिनेश कार्तिक फिनिशर की भूमिका भी अच्छे से निभा सकते हैं। हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सीमित ओवरों के मैच में लगातार टीम में बने हुए हैं और मौका पड़ने पर टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गेंद और बल्ले दोनों से पांड्या कमाल दिखाने में माहिर हैं। भुवनेश्वर कुमार। एक तेज गेंदबाज के रूप में भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया की पहली पसंद माने जाते हैं। हालांकि लंबे समय से वो चोट के कारण काफी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह फिट होकर टीम में अपनी वापसी कर रहे हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें किसी हाल में ड्रॉप नहीं करने वाली। कुलदीप यादव।
सीमित ओवरों के लिए कुलदीप यादव टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज हैं। अपनी गेंदबाजी से यादव बल्लेबाजों को चकमा देकर विकेट लेने में माहिर है। ऐसे में एशिया कप में भी कुलदीप यादव अपना कमाल दिखाने को बेताब है। जसप्रीत बुमराह मौजूदा समय के नंबर वन वनडे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 में निश्चित शामिल किया जाएगा। बुमराह टीम इंडिया की गेंदबाजी की अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। युजवेंद्र चहल युजवेंद्र चहल काफी समय से टीम इंडिया में नियमित बने हुए हैं, साथ ही चहल अपनी गेंदबाजी से भी प्रभावित करते आ रहे हैं। ऐसे में एशिया कप में भी चहल अपनी गेंदबाजी से विकेट झटकने में अहम योगदान दे सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।